मैं साइमा रजा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी सर्कल का कैंपस बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर। जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास बढ़ती स्नैचिंग की घटनाओं से छात्र परेशान। जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए फर्स्ट ईयर के छात्र रिजवान खान ने खुद को मारी गोली, परिवार वालों ने गर्लफ्रेंड पर लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह, 11 दिसंबर को की जाएगी वोटिंग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के छात्र ने रैकिंग के खिलाफ एमएचआरडी से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित छात्र का आरोप सीनियर छात्र कर रहे थे उसे मानसिक रूप से परेशान। देश के लिए इंजीनियर्स तैयार करने वाले आईआईटी कानपुर के परिसर में खुलेआम हो रहा है ड्रग्स का कारोबार, यह खुलासा जिला अधिकारी और आईआईटी प्रशासन की बैठक में हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष को यूनिवर्सिटी की ओर से लगाए गए जुर्माने को भरने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी का कार्यकाल 27 नवंबर को हो चुका है पूरा, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी के नए कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई। जामिया मिलिया इस्लामिया में नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। 7 दिन तक चले इस मुकाबले में जामिया मिलिया इस्लामिया ने मारी बाजी। जामिया मिलिया इस्लामिया में बीटेक और बीआर के दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आरंभ, 7 मार्च को होगी आखिरी तारीख। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में दाखिले के लिए छात्रों को इस साल से देनी होगी प्रवेश परीक्षा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में दाखिले के लिए 10 दिसंबर को होगी प्रवेश परीक्षा। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जुड़े रहिए यूनिवर्सिटी सर्कल के साथ।